भैया आए हमारे जबलपुर से। देखो भैया इधर आइए, भैया आज तारीख है 6 जी जी, ठीक है ना, और 6 तारीख को आप कहाँ से आए हो? मैं जबलपुर आधारताल से आया हूँ, ठीक है ना। और ये भैया कस्टमर है, आज आपको नजर आ रहे तो कल नजर नहीं आएंगे। लोगा क्या करते हैं, किसी बंदे को बुला लिए सरदार के बंदे को, झल्ली वाले को जी, ठीक है ना, उनसे कहते हैं भैया ये पंजाब से हैं और ये बिहार से हैं और ये चाइना से हैं, ठीक है। तो ये भैया जबलपुर से, भैया ये आधार कार्ड भी दिखा देंगे आपको, हम तो वीडियो देख के ही आपकी आए, ठीक है ठीक है। और उसके पते पे कॉल करके आए। मेरा व्यापार कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। मतलब कस्टमर के दोस्तों आपको लाइव रिव्यू मिल गया, जो काम करो ट्रस्टेबल करो, ग्राहक दो चार कम होंगे लेकिन दो चार वो चार को और लेके जाएंगे आपको। धोखाधड़ी वाले काम से आदमी एक ही बार आएगा दोबारा फिर कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात, हमारा काटने वाला काम ही नहीं करता भैया, ठीक है। हमने तो व्यापार जोड़ना है, हमें चाकू नहीं चलाना, हमें फूल चढ़ाना है। बिल्कुल, एक से एक बढ़िया आइटम आपको दिखा दूंगा भैया, डिजाइन देखो आप जो आप गिफ्ट कर सकते हो और घर में भी और किसी होटल वेयर में भी। देखो ये देखो क्वालिटी देखो दोस्तों, आप डिजाइन आपको मिलने वाले मात्र आपको पड़ेगा 60 रुपए का, ये मात्र 60 रुपए में। और कोई आपको बताता 15 रुपए का, दुनिया 15 रुपए का 20 रुपए इससे आगे नहीं बढ़ती जी, जिसकी रियल कॉस्ट 60 रुपए है, ठीक है। और खुला कह के कहता हूँ भैया मेरे पास 55 आ रहा है, मैं 60 बेच रहा हूँ, ये देख लो भाई, ठीक है ना। मार्जिन भी काफी लिमिटेड है यहाँ पर, लिमिटेड मार्जिन भैया। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ सदर बाजार के ऐसे बड़े होलसेलर के पास, जहाँ पर आपको क्वालिटी तो मिलती है साथ साथ एक क्वांटिटी भी अच्छी भी मिल जाती है। और यहाँ पर जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है वो पूरे सदर बाजार के अंदर आपको नहीं मिलने वाली, साथ साथ आपको प्राइस रेंज काफ़ी बढ़िया मिलने वाले, काफ़ी जेन्युइन सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्वालिटी की बात करो चाहे रेट की बात करो, तो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले वन बाय वन। अभी आपको सर से मिलवाते हैं, पूरी जानकारी दिलवाते हैं, तो उससे पहले आप देख सकते हो पूरी, आपको छोटा सा हाईलाइट देता हूँ कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी के अंदर माल मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक बार फिर आपको लेकर आ चुका हूँ सदर बाजार की वीडियो में, जहाँ पर आपको मिलने वाले क्वालिटी के साथ एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर माल। सर हमारे साथ होने वाले शॉप की ज्यादा जानकारी देने के लिए, तो सर क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अपने शॉप का एड्रेस क्या रहने वाला? कुतुब मोड़ चौक जी, ठीक है ना। और ये शॉप है 85 नंबर जी, ये बिल्कुल न्यू ओपन शॉप हुई है अभी मेरी, इससे पहले एक और शॉप है वो आप देख चुके हैं 104, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो मिलेगी एक से एक ब्रांडेड क्रॉकरी मिलने वाली है, जो आपको कहीं शायद देखने के लिए भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। और रेट जो मैं बताऊंगा आपको स्पष्ट बताए जाएंगे, कि ये नहीं कि भैया 2 रुपए का बताया और घर जाने के बाद तो 10 रुपए का आपको पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्पष्ट होगा, आंखों के सामने होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर जो माल आप परचेज करने आते हो कि भैया आपका ऑर्डर ले चुके हैं, आपका माल कल निकलेगा परसों निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप हाथों हाथ बिल बनवाओ, हाथों हाथ माल लेके जाओ, ओके, ठीक ना। देख सकते हो मतलब काफी ट्रस्टेड शॉप रहने वाली है, सारा सामान आपको काफी बढ़िया क्वालिटी में, साथ रेट भी अच्छा मिलेगा और काफी ट्रस्ट के साथ मिलने वाला, ठीक है। तो जल्दी से भैया स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और दिखाते हैं सारी वैरायटी अपने व्यूअर्स को। तो भैया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले कुछ भी आइटम आप बताते हो जी, तो सबसे पहले क्रॉकरी के अंदर आती है छलनी। छलनी बिल्कुल। तो ये आपको बताया तो यूट्यूब पर 1 रुपए 50 पैसे 1.5 रुपए ऐसे कुछ बताया था जी, जबकि इसकी रियल कॉस्ट 2 रुपए की है, ठीक है। मेरे पास से आप लोगे ना तो 2 रुपए का पीस पड़ेगा आपको, ओके, ठीक ना, 24 रुपए दर्जन, 2 रुपए का पीस, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ये क्या कहते हैं इसे, स्टेबलाइजर, ओके, ठीक ना। तो मात्र आपको पड़ेगा 60 रुपए, 5 रुपए का पीस, ठीक है, ठीक ना। और जितना मर्जी रिटेल की बात करें तो 60-70 रुपए 50 रुपए 30 रुपए आराम से कर सकते हो, ओके। इससे बढ़िया की बात करें तो ये आ जाएगा 90-75 रुपए का पीस, 7.5 रुपए का पीस, और लोग इसे बताते हैं 2 रुपए का। बिल्कुल। तो 2 रुपए का आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, जब आप ऑर्डर दे इसका 2 रुपए के हिसाब से देखे जाओ ना जी, तो आपको 2 रुपए में सिर्फ 2 ही पीस मिलेंगे, ओके। सपोज को आपने 10,000 का इसका ऑर्डर दिया एक पीस का, एक आइटम का जी, तो आपके घर पे सिर्फ 2 या 4 पैकेट ही पहुंचेंगे, और घर जाके पड़ेगा आपको 20 रुपए का, ठीक है। और मेरे पास पड़ेगा आपको 7.5 रुपए। मतलब बेसिकली यहाँ पर सदर बाजार के अंदर काफी ज्यादा स्टोर चलता है, वो अपनी शॉप पे नहीं होने वाला। अब ऐसी साबुनदानी वगैरह होती है जी, स्टार्टिंग रेंज साबुनदानी की मेरे पास 42 रुपए में 3.5 रुपए का पीस, ओके, जो रिटेल प्राइस 10 रुपए आराम से बेच सकते हो आप। बिल्कुल। एक शॉप का ओनर ना वे सेल आया था 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जी, मेरे पास 10 रुपए से सेल के लिस्ट लेकर और आपको 1,000 रुपए तक की सेल का आइटम मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल, देख सकते हो दोस्तों। फिर आते हैं भैया ये चक्कू, इस तरीके का चक्कू रहना वाला है, ये देखो अभी चक्कू पड़ेगा भैया आपको मेरे पास 36 रुपए 3 रुपए का पीस, 3 रुपए पीस पड़ने वाला है इस तरीके का चक्कू। और मार्केट में इसकी कॉस्ट बताई जाती है 1.50 रुपए जी, ठीक है ना। 3 का लेकर आप 10 का आराम से बेच सकते हो, आजकल वो जमाने लग गए भैया। और सबसे बढ़िया लालच में मत आना, बिल्कुल, आप लालच में जहाँ गए ना वहीं आपका घर बर्बाद हो सकता है, देख सकते हो। काम करो, व्यापार करो, अच्छे दुकानदार से करो, जो अच्छा प्रॉफिट लेकर दे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रॉफिट क्या होता है भैया, एक ही चीज आपको 25 पैसे में मिली तो समझ लो बेकार हुआ आदमी, बिल्कुल, ठीक है ना। और एक की चीज आपको 90 पैसे मिल लिए तो राइट है, बिल्कुल, कि भाई एक की चीज 10 पैसे कम हो सकती है, लेकिन एक की चीज 25 पैसे में पॉसिबल ही नहीं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे कहूँ भैया सोना बतेरे ऐड आते हैं आजकल, सोना भैया 20,000 रुपए तोला ले लो जी, तो 20,000 रुपए तोले में आपको पीतल ही मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। बिल्कुल।
तो देखिए तो मतलब एक जिस की जो रेंज है भैया उसी के आसपास अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो ही वो बढ़िया चीज मिलेगी आपको। ये नहीं कि कुछ गोदोकड़ी अभी है, ये 72 रुपए का पैकेट है भैया, 6 रुपए का पीस पड़ेगा। ओके लेकिन अगर आपको एक पैकेट लेना भैया 72 रुपए दे जाओ और पैकेट ले जाओ, मेरे पास पैकेट आपको पड़ने वाला है 6 का लेके 10 का बिक जाएगा ग्राहक का। जी बिल्कुल आराम से बिकेगा, बिल्कुल आराम से बिकेगा। कोई अब यार भैया ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं कोई पैसा लगा रहा अपनी जेब से, किसी का पैसा फ्री का नहीं जी। और सबसे बड़ी बात ग्राहक जो ग्राहक होता है ना ग्राहक जी जी, मैं उनसे कहता चाहता हूँ कि भैया अपनी तरीके से खरीदारी करें। ये नहीं कि जिसने कह दिया भैया यूट्यूब पे भैया वीडियो चल रही है 1 लाख तो 1 लाख को मत देखो, आप जेन्युइन माल देखो। देखो बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वीडियो उसकी 10,000 चल रही है लेकिन आपको जेन्युइन माल मिलेगा उस तरीके। बिल्कुल ये देख ना। अब ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे ब्रश टांगने वाला आया था देखो, ये देख लो ठीक है ना, ये टांग मात्र मेरे ऐसे पड़ेगा आपको 10 रुपए का पीस, 10 रुपए का पीस। और इसकी सेल आउट होती ना तो 30-35 रुपए आराम से सेल आउट हो जाता है, काफी हैवी क्वालिटी के अंदर अपने पास मिल जाएगा, ऐसे बढ़िया के अंदर साबुनदानी वगैरह मिल जाएगी आपको। बाकी अब जब आप घूमोगे तो सब में अब जैसे कार्टून पैक होते देखो, ऐसे कार्टून पैक पैक होकर आते हैं। बिल्कुल ये देखो ये कार्टून पैक है ठीक है, आपको 2500 रुपए का 30 रुपए का, जबकि रियल कॉस्ट इसकी 70-80 रुपए स्टार्ट होती है। ओके कोई माइकल लाल कहता है ना कि सदर वायर के अंदर मैं किंग हूँ सदर वायर का, और वो एक आपसे कहता है सदर वायर का किंग है कि भाई सचिन भैया को माल दे दो आप सारा अपना, देख लो भाई मतलब ओपन चैलेंज इस रेट पे आप दिखा रहे हो तो सचिन भैया को दे दो, यहाँ पर सचिन भैया को दे दो रेट में माल, ये देख सकते वो ले लेंगे आपसे ठीक है भैया। और यहाँ पर सबसे बड़ी थी सेटिंग जी, अगर आप अपना 10,000 रुपए खर्च करके आ रहे हो और आपने दोबारा भैया कि मैं मेरा माल जिस रेट में दिखाया तो उस रेट में दिया नहीं आपने तो भैया कोई नहीं दे सकता, देख लो भैया। और देने वाला बैठा हूँ तो मैं देता हूँ ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने पास जो रेट बताएंगे वही रेट मिलेगा ना, इतने का ही मिलेगा बिल्कुल, यहाँ तो वही रेट मिलेगा भैया, माल मेरा जी बिल्कुल, किसी का पैसा आराम का नहीं खाना भैया यहाँ पे, ऐसे ग्लास वगैरह मिलेंगे फैंसी आपको, देखो ये देख सकते हो भैया, घर में भी किसी होटल वेयर में भी देखो, ये देखो क्वालिटी देखो दोस्तों, आप डिजाइन आपको मिलने वाले मात्र आपको पड़ेगा 60 रुपए का, ये मात्र 60 रुपए में, और कोई आपको बताता 15 रुपए का, दुनिया 15 रुपए का 20 रुपए इससे आगे नहीं बढ़ती जी, जिसकी रियल कॉस्ट 60 रुपए है ठीक है, और खुला कह के कहता हूँ भैया मेरे पास 55 आ रहा है और मैं 60 बेच रहा हूँ, ये देख लो भाई ठीक है ना, मार्जिन भी काफी लिमिटेड है यहाँ पर, लिमिटेड मार्जिन है भैया। सबसे बड़ी बात एक बात और बता दूं, पैकिंग का खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा भैया आपको, अच्छा लोग कहते थे GST फ्री फलाना की फलाना फ्री वो सब आपकी जेब से निकल जाता है जी, और उसके बाद भी कहते हैं भैया माल पकड़ा गया 5,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे आपको, तो 5,000 रुपए आपकी जेब से और चले गए और चले जाते हैं, माल तो खराब गया आपके पास 5,000 रुपए और आपकी जेब से चले गए, देख लो तो आपकी जेब से फालतू पैसे ना जाए और आपको माल ही बढ़िया मिले जी, तो भाई के पास जमा उठा के मुंह उठा के फोन कर देना ठीक है, तो ये देख लो भाई पैकिंग वगैरह के चार्ज अपने अपने आप पास से रहेंगे, चीज़ें एक दे दूंगा मैं आपको, बस चीज़ जो खरीदारी करनी है वो अपने दिमाग से करनी है आप, किसी मेरे पास नहीं खरीदारी करनी किसी और के पास किससे करो, लेकिन रियल बंदे के पास करो बिल्कुल, तो आपको 2-4 पैसे कमा कर दे बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हो आप, ये देखिए तो ये देख सकते हो यहाँ पर भी कितनी क्वांटिटी के अंदर लगा हुआ है, देन इस वाली साइड पे भी पूरा लगा हुआ है, और अंदर की साइड भी देखोगे तो अपना पूरा प्रॉपर यहाँ से लेके नीचे तक और सारा आगे तक यही माल लगा हुआ है, ये देख सकते हो भैया, 2 टब लेके ना, टब बाल्टी लेके ना, उनके बारे में बता दो भैया को, ये देखो क्या होता है हमारे व्यूअर्स को ठीक है ना, ये देख सकते हो एक ही क्वालिटी के अंदर टब मिल जाएगा, अगर एक नंबर से माल बिकेगा तो भैया हमेशा बिकेगा, 2 नंबर से माल बिकेगा तो आज बिकेगा और कल नहीं बिकेगा, कल नहीं बिकेगा बिल्कुल, इसके बाद देख लेते हैं अपन, मैं जुआ तो खेल नहीं रहा और बेगम और बादशाह मांगूंगा यहाँ पे ठीक है ना, ग्राहक आता है माल लेके आता है कुछ नहीं बोल के आता है, ग्राहक कहता है भैया रेट थोड़े महंगे हैं या फिर कुछ है, लेकिन लेके महंगा ही जाता हूँ मेरे पास, उसे पता है कि सामने वाला जो सस्ता होता है उसने दिया ही नहीं, देखो भैया दिल इतना खुश हो जाएगा फैंसी आइटम देख के कि भैया ये कप का सेट है भैया, देखो बिल्कुल ये देख लो, अब इस कप को सेट को बताते हैं भैया, लोग 20 रुपए का सेट है आदमी क्या 20 रुपए में लालच में आता है ठीक है ना, लालच में आके वो अपना ही नुकसान करता है बिल्कुल, अभी एक बंदा 4-5 दिन पहले मुझसे एक ग्रुस छलनी मांगी भैया, सॉरी 70 ग्रुस ठीक है, मैंने भाई क्या रेट है तो उस टाइम मेरे आ रही थी 1.35 रुपए ग्रीम छलनी, ओके तो आज रेट बढ़ चुका है, आज 2 रुपए हो चुका है ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास तो 1.5 रुपए की है, क्या भैया 1 रुपए लगा लो जी और मैं 70 ग्रुस देता हूँ बंदे का, ओके
जब बंदा लुट के बर्बाद हो गया ना, तो मेरे पास कहता है भैया आपसे माल लूंगा मैं, थोड़ा सा मेरा उस बंदे से वो करवा दो, मेरा पैसा निकलवा दो। मैंने भाई मैं किसी ठेकेदार थोड़ी ना लग रहा था ना, तेरा पैसा निकलवा दूं, ठीक है। ये देखो भैया दिखाता हूँ, जी देख सकते हो, बंदे ने मांगी एक नंबर छलनी, मैंने भाई 1.5 रुपए का पीस पड़ेगा जी। आने के बाद ठीक है ना। अब बंदा कहता भैया ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, ठीक है ना। मैंने पैसे देगा कहाँ से भाई, वो ये देख सकते हो, दुकान का लड़का होगा, लिख कर भेजे, काम करता होगा, काम लेके तेरे पैसे लेके भाग गया, ठीक है। इस बंदे की शक्ल भी दिखाया था आपको, ठीक है ना, बंदे की शक्ल भी दिखाया था आपको, तो देखो मतलब इससे पूछ लेना फोन नंबर भी इसका ही, देखो कि भाई तेरे साथ फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, और सचिन भाई ने तुझे क्या समझा और तू क्या समझा। तो इसी तरीके फ्रॉड भैया मार्केट के अंदर काफी रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे बेटर रहता है कि आप एक जेन्युइन शॉप से ही माल खरीदे। अब ये बाल्टी होती भैया टप होता, सॉरी जी ये टप दिखाया था आपको 5 रुपए का, ओके। जबकि मेरे पास स्टार्टिंग भैया इसकी 25-30 रुपए होती है, 25 से 30 रुपए, 5 रुपए में कोई टप नहीं मिलता भैया, 5 रुपए सिक्का भी लो ना भैया आजकल पुराना हो जाता है बिल्कुल, तो मैं तुम्हें टप नहीं दूंगा, 25-30 रुपए में स्टार्ट दूंगा, 25 से 30 रुपए के अंदर भैया 5-5 रुपए की, 5 रुपए कोई बाल्टी नहीं आती बिल्कुल, ठीक ना। बढ़िया से बढ़िया डस्टबिन का वो नहीं आता है, छोटा सा मक्का सा बिल्कुल, ठीक ना। मक्का ही लोगों 7.5 रुपए 5 रुपए 6 रुपए स्टार्ट होता है, ऐसी बाल्टी मिलेगी आपको 5 रुपए 10 रुपए की, वाला काम नहीं मेरे पास, 2-4 रुपए वाले तो फोन ही ना करें बिल्कुल भी, ओके ठीक ना। ये बाल्टी मिलेगी आपको 35-40 रुपए स्टार्टिंग, 35 से 40 रुपए की स्टार्टिंग मिलेगी, ये मिलेगी जी 35-40 रुपए स्टार्टिंग मिलेगी, स्टार्टिंग रहती है, उसके बाद अपने रेट करते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। ऐसी कुर्सी वगैरह चाहिए, चेयर वगैरह चाहिए, वो मिल जाएंगे आपको, ये देख लो बच्चों के लिए चेयर मिनी चेयर वगैरह मिल जाएंगी, तोड़ दो तो बता देना आप मुझे, ये देखो भाई ऐसे भैया टप क्वालिटी जनरल आपको मिल जाएगी, टप बजा के दिखाते हैं भैया, नहीं टूटा भैया हमारे से तोड़ो, हम तोड़ने के लिए बैठे हैं भैया, आए हमारे जबलपुर से, देखो भैया इधर आइए, भैया आज तारीख है 6 जी जी, ठीक है ना, और 6 तारीख को आप कहाँ से आए हो? मैं जबलपुर आधारताल से आया हूँ, ठीक है ना। और ये भैया कस्टमर है, आज आपको नजर आ रहे तो कल नजर नहीं आएंगे, लोवा क्या करते हैं किसी बंदे को बुला लिया सरदार के बंदे को, झल्ली वाले को जी, ठीक है ना, उनसे कहता भैया ये पंजाब से हैं और ये बिहार से हैं और ये चाइना से हैं, ठीक है। तो ये भैया जबलपुर से, भैया ये आधार कार्ड भी दिखा देंगे आपको, ये देख सकते हो आप, वीडियो देख के ही आपकी आए, ठीक है ठीक है। और उसके पते पर कॉल करके आए, मेरा व्यापार कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? मतलब कस्टमर मिल गया, इससे ज्यादा आपको ट्रस्ट के लिए और क्या चाहिए? जो काम करो ट्रस्टेबल करो बिल्कुल, ग्राहक 2-4 कम होंगे लेकिन 2-4 वो 4 को और लेके जाएंगे आपको, धोखाधड़ी वाले काम से आदमी एक ही बार आएगा दोबारा फिर कैसे आएगा, बिल्कुल सही बात, दोबारा काटने वाला काम ही नहीं करता भैया, ठीक है। हमने तो व्यापार जोड़ना है, हमें चाकू नहीं चलाना, हमें फूल चढ़ाना है बिल्कुल, देख सकते हो। तो इसके बाद अपने पास और भी वैरायटीज मिल जाएगी, सामने बैठा है माल आता रहता है जाता रहता है, माल लग ही रहा है, मैं क्रॉकरी की इतनी सारी आइटम है कि आपको दिखाते दिखाते सुबह शाम हो जाएगी जी, इतनी सारी 1,00,000 आइटम है मेरे पास, अच्छा दिखाने बैठूंगा, ठीक है। छोटे छोटे कप भी मिलेंगे आपको, ये देख लो ये छोटे छोटे इस टाइप के कप मिल जाएंगे, एक बार मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, दुकान नहीं खोली है, पैसा लगाया बस, पैसा कमाना जानता हूँ मैं, ये देख ना वो एक नंबर से, ठीक ना भैया। तो अभी स्टार्टिंग आपको 15-20 रुपए 30 रुपए मिलेगी आपको, ठीक है, कम से कम 15 रुपए स्टार्टिंग मिलेगी आपको, 15 रुपए से स्टार्टिंग भी मिलेगा आपको, ओके ठीक ना। अगर आप सोचो कि 5 रुपए मिले, 5 रुपए की खाली ये ग्लास नहीं आएगा बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब प्रॉपर ग्लास के अंदर है ना भैया ये? हाँ जी ग्लास के अंदर, प्लास्टिक वाली नहीं भैया, अपने ग्लास के अंदर है, ये देख सकते हो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी दोस्तों अपने पास। और जब भी आपको आना हो जी तो भैया फोन जरूर करके आना बिल्कुल, लोवा क्या करते हैं यहाँ पे जब आप रिक्शे से आओगे नियर बाई जैसे रामाकृष्ण आश्रम है और आपका नई दिल्ली है पुरानी दिल्ली है मेट्रो है और ये मिठाई पुल है प्लांट इतना भुतेरे हैं ISBT भी है, ठीक ना। आप जैसे ही आप वहाँ से उतरोगे सदर बाजार में एंट्री करोगे सबसे पहले पीछे आपके कार्ड वाले खड़े होंगे, हाँ जी कॉस्मेटिक ज्वेलरी आपने कह दी क्रॉकरी हाँ भैया हमारा है, सीधे हाँ हमारा है जी, वो लाकर आपको यहाँ पर छोड़ देते हैं सदर बाजार में किसी के पास भी, ठीक ना, ठीक और उनका काम वहीं पर ही खत्म हुआ था बिल्कुल। सपोज करो आपने माल लिया 20,000 रुपए का जी, तो 20,000 में उनकी कमीशन होगी 2,000 रुपए खड़ी, ठीक है। तो 2,000 रुपए बचाने के लिए अपने 2,000 बचाने के लिए जरूरी नहीं अपने 20,000 की क्रॉकरी खरीदनी है जी, 1,00,000 की खरीदते लगभग 5,00,000 की खरीदते 10,00,000 की खरीदते जी, तो पैसा बचाने के लिए आप मुझसे संपर्क करें बिल्कुल। तो देख सकते हो अगर दोस्तों आपको अपना पैसा जाया नहीं करना है और एक अच्छी क्वालिटी के अंदर माल खरीदना है, एक ट्रस्टेड शॉप से माल खरीदना है, तो ही आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो जी। सबसे बड़ी बात पता है क्या, आप मुझे फोन करोगे तो बंदे के कान पे दलालों के कान पे फोन लगा के भैया आपने कॉल करा है, अब
कस्टमर को क्या पता कि भाई कौन है कौन नहीं है। हाँ भाई मैंने करा, जब भी आप मुझे फोन करो जी, मेरा नंबर जी या अपना नंबर उसकी स्क्रीन पे देख कर ही आना उसके साथ, ठीक है। जिस लड़के को मैं भेजूंगा जी, अपना नंबर उसकी स्क्रीन पर देख कर ही आना उसके साथ, बिल्कुल। और कोई आपसे कहता है भैया हरिद्वार गए होंगे सचिन भैया, धार्मिक आदमी है भाई, धार्मिक हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ कि हरिद्वार में पढ़ा रहूंगा मैं, ठीक है। ठीक है भैया, हरिद्वार में नहीं पढ़ा रहता मैं, मेरे को घर मकान नहीं है हरिद्वार में, जाता हूँ महीने में एक आध बार जाता हूँ कि भैया आज तो वहाँ गए हूँ, आज तो वहाँ गए भैया। सचिन भैया के पास इतना पैसा भी आ नहीं रहा कि हर रोज हरिद्वार में जाए, ठीक है ना। सदरबार में आओ, मुझे देखो, मान लो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये आइटम नहीं चलाना तो ये दे दूंगा उसके बदले, ओके। बस आपका व्यापार चलाना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना भैया, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।